आईटी एंड आर्ट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो हमारी etenders.hry.nic.in जो साइट है, उस पर जो हम टेंडर पुलिस करते हैं, उसके अंदर कोरिजेंडम अगर हम निकालना चाहे तो किस तरह से वो अपलोड करना है, क्रिएट करना है। तो मैंने ये अपनी साइट जो है डीएससी लगा के लॉग इन कर लिया। तो इसमें आप देखोगे नीचे क्रिएट कोरिजेंडम का ऑप्शन बना हुआ, तो आप सबसे पहले इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है टेंडर आईडी, यानी जिस टेंडर के लिए आप कोरिजेंडम अपलोड करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, उसकी आईडी आप यहाँ पे डालोगे। तो मैं यहाँ पे किसी टेंडर की आईडी एक बार कॉपी कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आईडी पेस्ट करूंगा, सर्च के बटन पे क्लिक करूंगा। ये मेरा वो टेंडर आ गया जिसके लिए मुझे कोरिजेंडम क्रिएट करना है। ये आप कोरिजेंडम में जाके क्रिएट कोरिजेंडम पे क्लिक करके सर्च करोगे। उसके बाद इसमें आप नीचे देख रहे हो कि ऐड कोरिजेंडम, किस टाइप का आप कोरिजेंडम ऐड करना चाहते हो। इसमें सबसे पहले डेट दे रखी है, फीस दे रखी है, टेक्निकल बिड, फाइनेंशियल बिड, कैंसिलेशन ऑफ टेंडर, रिटेंडर या अदर। तो डेट के अंदर आपने डालना है, डेट से रिलेटेड जो भी इशू है, आपके डेट गलत छापी गई है अखबार में या कुछ और हुआ है, तो उसके लिए आप यहाँ पे डेट कोरिजेंडम में ऐड करोगे। अगर फीस से संबंधित है तो आप फीस वाले पे ऐड करोगे। अगर आपकी टेक्निकल बिड्स से संबंधित है, टेक्निकल बिड्स के अंदर वो होती है जिस तरह से आपकी कोई टर्म एंड कंडीशन उसमें एडिट नहीं हुई है, ऐड नहीं हुई है, या कोई ऐड करनी है, या उसमें से कोई अटॉर्नी से संबंधित आपने जो भी डालनी है वो टेक्निकल के अंदर आएगी। और फाइनेंशियल के अंदर ही फाइनेंशियल बिट जो आप डालते हैं उसमें आपकी कोई मिस्टेक हो गई, कोई प्रिंटिंग में, प्रिंट करने में, टाइप करने में, तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे जो भी कुछ डालना है फाइनेंशियल बिट से संबंधित, तो यहाँ पे फाइनेंशियल बिट के अंदर कोरिजेंडम एड अपलोड करोगे। उसके बाद कैंसलेशन ऑफ टेंडर, कैंसिल करने के लिए आप कैंसलेशन में जाओगे, अगर आपने कैंसिल तो इसमें ऐड करोगे। इसी तरह से रिटेंडर। तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे एक टेक्निकल बिड के लिए एक एडिशनल जो टेक्निकल हमने टर्म एंड कंडीशन ऐड की है, तो उसके लिए कोरिजेंडम क्रिएट कर रहा हूँ, तो ऐड क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे टाइटल डालूंगा अपना, कि हमारे कोरिजेंडम का जो टाइटल है वो क्या है, तो मैं इसमें डाल दूंगा टर्म एंड कंडीशन ऑफ फीजी गोडाउन। मतलब मैंने पीजी गोडाउन को जैसे टेंडर कर रखा है, तो उसकी टर्म एंड कंडीशन जो एक्स्ट्रा आई है वो हमने बताना है, ये टर्म एंड कंडीशन भी फॉलो करना है आपको, तो उसके बारे में हमने बताना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसमें डाल दूंगा कि हमारी जो टर्म एंड कंडीशन है उसके बारे में लिख दूंगा कि हमारी न्यू टर्म कंडीशन आई है उसके बारे में आपने उसको भी आपने अपलोड करना है। तो इसमें हम इसमें मैं लिख दूंगा कि जो बिडर है इनके ईपीएफओ से उन्होंने एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है लेनी है एनओसी, तो उसके बारे में हमारी जो टर्म एंड कंडीशन थी है, तो मैंने इसमें लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, ब्राउज करके ये मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। इसको स्कैन करना है जिस तरह से टेंडर में अपलोड करके स्कैन करते थे, बाकी सब वही प्रोसेस जो पिन वगैरह डालते हैं। ओके करना है, उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है। सबमिट करोगे ये वही उसी तरह से वेरीफाई मांगेगा जिस तरह से टेंडर के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, वहां पे वेरीफाई का ऑप्शन आता है, तो
तो यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन है, इसको आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं। तो जिस तरह की मैंने ये यहाँ पे कोरिजेंडम बनाया था, ये मैंने यहाँ पे अपलोड किया है, तो उसके बाद इसको चेक करके सेव कर लूंगा। सेव करने के बाद नेक्स्ट बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, जिस तरह से ये सेंड टू पब्लिशर का जो ऑप्शन है वो आ जाता है, तो ये यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और अब मैं सेंड टू पब्लिश पे क्लिक करूंगा। मैं इस पे सेंड टू पब्लिश पे क्लिक करने के बाद में जो अपना ये है, ये इसके अंदर चला जाएगा पब्लिश कोरिजेंडम के अंदर। ये पब्लिश कोरिजेंडम के ऑप्शन है, इसके अंदर चला जाएगा। तो अभी मैं करता, उसके बाद आप इसको देखोगे ये पब्लिश कोरिजेंडम वाले ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे इसको देखोगे तो ये हमारा जो है, और इस पे पब्लिश व्यू पब्लिश पे क्लिक करोगे तो नीचे एक और बटन आपको दिखाई देगा सेंड पब्लिश कोरिजेंडम का। तो आपका जो ये नीचे जो बटन दिया हुआ है पब्लिश कोरिजेंडम का, तो इसमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, मॉडिफाई रिक्वायरमेंट और एक पब्लिश स्टैंडर्ड करना के लिए। तो अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, और अगर नहीं करना है तो सिंपली इस पे रखना है। और जो सेंड टू पब्लिश पब्लिश कोरिजेंडम का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करोगे, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये अपना पब्लिश्ड कोरिजेंडम के ऑप्शन के अंदर चला जाएगा, आपका इस ऑप्शन में चला जाएगा। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कोरिजेंडम था, यहाँ पे व्यू करके देखेंगे तो ये अपना जो है कोरिजेंडम यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट लिख के जरूर बताएं। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप लिख कर अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।